सोहे के स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के थोड़े में बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आप अपने घर का लाइट बिल जमा करना चाहते हैं, गाइस आप अपने घर का लाइट बिल चेक करना चाहते हैं कि आपका एक महीने में कितना लाइट बिल आया है, गाइस आप एक महीने का लाइट बिल जमा करना चाहते हैं तो गाइस आप अपना लाइट बिल जमा कैसे करेंगे या गाइस आप अपना लाइट बिल चेक कैसे करेंगे कि आपका कितना लाइट बिल आया है। तो गाइस आप घर बैठे आप जमा भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गाइस आप जमा कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको लाइट बिल जमा करने के लिए या चेक करने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर या गूगल को ओपन करना और आपको यहाँ पर टाइप कर देना है एम पावर। तो गाइस जैसे आप ऐसे एम पावर लिख करके आप यहाँ पर सर्च कर देंगे उसके बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे एम पावर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एम पावर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे uppcl.mpower.in यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे uppcl बिल एंड पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस अब आपके सामने यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आएगा। तो गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो गाइस आपको अकाउंट नंबर कौन सा डालना है, गाइस आप जो लाइट बिल आप का रसीद मिलता है उस पर एक अकाउंट नंबर होता है जो कि 14 या 12 अंक का होता है, आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद में गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड भी डाल देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, पहले अपना अकाउंट नंबर डालेंगे 74 18 18 यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम सब यहां से अपना अकाउंट नंबर डाल दिए, उसके बाद में गाइस आपको इस कैप्चा कोड को यहां पे इंटर कर देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहां पे हम डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में गाइस यहां पे आपको एकदम सिक्योरली कैप्चा कोड डालना है, वरना गाइस आपका यहाँ पर लाइट बिल चेक नहीं होगा। तो देख सकते गाइस हम यहाँ पे सिक्योरली यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिए और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भी डाल दिए। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर टाइप करने के बाद में गाइस यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे पूरा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो देख सकते गाइस आपका यहाँ पे जो लाइट बिल है पूरा ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे आपका जो लाइट बिल यहाँ पे आया है, मेरा मतलब मेरा जो लाइट बिल आया है 157 रुपये है और किस डेट पे आया है, यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है। यहाँ पे 22/3/2022 को मेरा यहाँ पे लाइट बिल आया है। और यहाँ पे अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है तो देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर। तो अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं अपना अकाउंट नंबर और किसके नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्शन है उनका नाम भी दिखाएगा। यहाँ पे सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अगर आप इसको जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कैसे करेंगे, इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से पे नाउ वाले ऑप्शन पे आप टाइप करेंगे उसके बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मतलब गाइस आपका जो UPI जिससे बना होगा आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो देख सकते जैसे आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे UPI डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ से डाल करके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते गाइस आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर गाइस आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो गाइस आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करें, आपका हर एक प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व किया जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड रिलेटेड राशन कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस इस तरीके से गाइस आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जमा कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।